श्रृंगी ऋषि का वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया है। कहते हैं कि ऋषि श्रृंगी पुत्र कामेष्ठि यज्ञ में विशेषज्ञ थे एवं जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ तथा पुत्र कामेष्ठि यज्ञ करवाए थे। श्रृंगी ऋषि विवांडक ऋषि के पुत्र तथा कश्यप ऋषि के पौत्र बताए जाते हैं। श्रेयसृंग अंग देश की रमणियों के साथ उनके नाम को लेकर यह उल्लेख है कि उनके माथे पर सींग संस्कृत में श्रृंग जैसा उभार होने की वजह से उनका यह नाम पड़ा था। वर्षों तक तपस्या के पश्चात उनके माथे का सिंह लुप्त हो गया था। उनका विवाह अंग देश के राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री शांता से संपन्न हुआ था, जो कि वास्तव में राजा दशरथ जी की पुत्री थी। आखिर कौन थे ऋषि श्रृंगी? पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि तथा अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। विभांडक ने इतना कठोर तप किया कि देवतागण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी ने उन्हें मोहित कर उनके साथ संभोग किया, जिसके फलस्वरूप ऋषि श्रृंगी की उत्पत्ति हुई। श्रेयसृंग के माथे पर एक सींग श्रृंग था, अतः उनका यह नाम पड़ा। श्रेयसृंग के पैदा होने के तुरंत बाद उर्वशी का धरती का काम समाप्त हो गया तथा वह स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस धोखे से विभांडक इतने आहत हुए कि उन्हें नारी जाति से घृणा हो गई तथा उन्होंने अपने पुत्र श्रृंग पर नारी का साया भी न पड़ने देने की ठान ली। इसी उद्देश्य से वह श्रेयसृंग का पालन पोषण एक अरण्य में करने लगे। वह अरण्य अंग देश की सीमा से लग के था। उनके घोर तप तथा क्रोध के परिणाम अंग देश को भुगतने पड़े, जहाँ भयंकर अकाल छा गया। अंगराज रोमपाद चित्ररथ ने ऋषियों तथा मंत्रियों से मित्रणा की तथा इस निष्कर्ष में पहुँच गए कि यदि किसी भी तरह से श्रेयसृंग को अंग देश की धरती में ले जाया जाता है तो उनकी यह विपदा दूर हो जाएगी। अतः राजा ने श्रेयसृंग को समझाने के लिए देवदासियों का सहारा लिया, क्योंकि श्रेयसृंग ने जन्म लेने के पश्चात कभी नारी का अवलोकन नहीं किया था। और ऐसा ही हुआ भी। श्रेयसृंग का अंग देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। उनके पिता के क्रोध के भय से रोमपाद ने तुरंत अपनी पुत्री शांता का हाथ श्रेयसृंग को सौंप दिया। बाद में श्रेयसृंग ने दशरथ की पुत्र कामना के लिए अश्वमेघ यज्ञ तथा पुत्र कामेष्ठि यज्ञ कराया। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाए थे वह अयोध्या में लगभग 38 किलोमीटर पूर्व में था और वहाँ आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियाँ हैं। दोस्तों, यह थी ऋषि श्रृंगी की कथा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कथा लेकर। धन्यवाद। जय माता दी।